नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। हम एनिमल क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे, उसमें हमने आर्थ्रोपोडा तक पढ़ लिया था। अब हम आगे पढ़ने वाले हैं संघ इकाइनोडर्मेटा, या जिसको हम कहते हैं फाइलम इकाइनोडर्मेटा। अब एनिमल क्लासिफिकेशन का ये कह सकते हैं लास्ट वीडियो होगा, क्योंकि इसी में हमारा पूरा एनिमल क्लासिफिकेशन समाप्त हो जाएगा। अब उसके बाद हम एनिमल्स के अंगों के बारे में, उनकी त्वचा के बारे में और बहुत सारे एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड डाइजेस्टिव सिस्टम, इन सब चीज़ों के बारे में आगे पढ़ेंगे। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा। चलिए चालू करते हैं क्या। फाइलम इकाइनोडर्मेटा या संघ इकाइनोडर्मेटा। अब इनका सबसे पहला प्रमुख लक्षण क्या है कि इस संघ के सभी जंतु क्या होंगे, खारे पानी में पाए जाएंगे, या कह सकते हैं समुद्री जल में पाए जाएंगे, क्योंकि खारा जल कहाँ मिलेगा आपको, समुद्र में ही मिलेगा। तो कह सकते हैं कि इस संघ के या इस फाइलम के जितने भी जंतु हैं या जितने भी एनिमल्स हैं, किसमें पाए जाएंगे, वो सब पाए जाएंगे खारे पानी में या समुद्री जल में पाए जाएंगे। अब आगे दूसरा पॉइंट, इनमें जल संवहन तंत्र पाया जाता है। कैसा तंत्र, संवहन तंत्र होता है, जल संवहन तंत्र होता है, क्योंकि देखिए ये टोटली जल में ही रहते हैं। ये टोटली क्या होते हैं, जल में ही रहते हैं, ये लैंड पे या कह सकते हैं लैंड पे नहीं आते हैं, ये टोटली जल में ही रहते हैं। तो इस कारण इनमें क्या होता है, कहीं ना कहीं जल संवहन तंत्र टोटली पाया जाता है। क्या पाया जाता है, जल संवहन तंत्र। इनमें प्रचलन के लिए, भोजन ग्रहण करने के लिए नालपाद होते हैं, प्रचलन के लिए या ऐसे के चलने के लिए, और भोजन को ग्रहण करने के लिए, उसको पकड़ने के लिए क्या होते हैं, नालपाद होते हैं। नालपाद क्या होते हैं, ये ठीक है, ये क्या है आपके, नालपाद हैं। तो इनमें प्रचलन के लिए और चलने के लिए, चलने यानी प्रचलन के लिए और भोजन को ग्रहण करने के लिए यानी पकड़ने के लिए क्या होते हैं, वह नालपाद होते हैं। तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क विकसित नहीं होता, इनके तंत्रिका तंत्र विकसित हुआ, लेकिन इसमें क्या है, मस्तिष्क विकसित नहीं होगा, जो माइंड है, ब्रेन है, वो विकसित नहीं होगा। किसमें, संघ इकाइनोडर्मेटा में। और उनकी सबसे बड़ी खास बात आपको बताएं कि संघ इकाइनोडर्मेटा के शरीरों पर क्या पाए जाते हैं, कांटे पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, कांटे। ये आप छोटे छोटे देख रहे होंगे, इसमें क्या है, ये कांटे लगे हुए हैं। इकाइनोडर्मेटा के शरीर पर क्या पाए जाते हैं, कांटे पाए जाते हैं, याद रखिएगा। इनमें पुनरुत्पादन की विशेष क्षमता होती है। फाइलम इकाइनोडर्मेटा या संघ इकाइनोडर्मेटा की जो भी जंतु होते हैं, इनमें पुनरुत्पादन की विशेष क्षमता होती है, यानी वो अपने आप को क्या करते हैं, फिर से उत्पादित कर लेते हैं, फिर से बना लेते हैं। तो इसमें क्या है, इनमें पुनरुत्पादन की विशेष क्षमता होती है। अगर इनके उदाहरण की बात करें तो जेली फिश, स्टार फिश, क्राई फिश, कैटल फिश, ये सब इसके संघ इकाइनोडर्मेटा के उदाहरण होते हैं। तो आप इसमें देख पा रहे होंगे क्या है, स्टार फिश आपको दिखाई दे रहा होगा, ये रहा, ठीक है। तो इसका अगर मेन एग्जांपल की बात करें, जो कॉमन एग्जांपल होता है, अक्सर पूछा जाता है, क्या पूछा जाएगा, स्टार फिश, या आपसे जेली फिश या कैटल फिश भी अगर कभी पूछ लेता है, तो आप बता सकते हैं किसकी एग्जांपल है, ये संघ इकाइनोडर्मेटा के या फाइलम इकाइनोडर्मेटा के। तो यहाँ तक हमारा संघ इकाइनोडर्मेटा खत्म हुआ, क्योंकि देखिए एनिमल क्लासिफिकेशन जो हम पढ़ते हैं उसके बारे में हमें बहुत डिटेल में नहीं जाना है। सबसे पहली चीज़, इसमें जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, क्या इंपॉर्टेंट होता है, इंपॉर्टेंट यह होता है कि इसके जो एग्जांपल्स होते हैं, जैसे हमसे पूछ लिया गया संघ आर्थ्रोपोडा के एग्जांपल क्या होंगे, प्रोटोजोआ के एग्जांपल क्या होंगे, पोरीफेरा के एग्जांपल क्या होंगे, तो ऐसे पूछता है, जैसे आपसे पूछ दिया कि पैरामीशियम किस संघ का एग्जांपल है, या पैरामीशियम किस संघ का जंतु है, तो आपको चार ऑप्शन दे दिया गया वहीं पर, पोरीफेरा, प्रोटोजोआ, आर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का, तो आप क्या लिखेंगे, आप सीधे लिखेंगे संघ प्रोटोजोआ को। अब आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि नहीं इसमें पाचन तंत्र विकसित है, संवहन तंत्र विकसित है, रक्त प्रसंचरण तंत्र है या नहीं, इतने क्रिटिकल कह सकते हैं क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाते हैं, क्योंकि वो आपका एक कैसे कॉमन टेस्ट पर रखते हैं। तो इसलिए आप इसके जो कॉमन एग्जांपल्स हैं, यहाँ पे एनिमल क्लासिफिकेशन हमारे सिलेबस में आने का यही मेन मकसद है, कह सकते हैं कि उसको जो कॉमन एग्जांपल्स हैं उनको हम जानते रहें। तो आप उसके कॉमन एग्जांपल्स पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, अगर हाँ आप यह याद कर सकते हैं इन सब के विषय में, तो आप करेंगे तो वो आपके लिए आगे के लिए और बेनिफिशियल हो सकता है। चलिए आगे अगला है हमारा संघ मोलस्का, फाइलम मोलस्का। मोलस्का में देखिए, मोलस्का की जो सबसे खास बात होती है कि इनके शरीर सबसे कोमल होते हैं। कैसे होते हैं, सबसे कोमल होते हैं, ठीक है, ये कैसे होते हैं, सबसे कोमल शरीर के होते हैं। और ये भी कैसे हैं, जलीय जीव हैं, ये भी कहाँ रहते हैं, पानी में रहते हैं, ये जलीय जीव हैं, यानी ये खारे जल में और ताजे जल दोनों में रहते हैं, यानी ये कैसे समुद्री जल में भी रह लेंगे और जो साफ पानी है वहाँ पर ये रह सकते हैं, या जो जिसे कहते हैं मीठा पानी, मीठे पानी में भी ये रह सकते हैं, कौन, संघ मोलस्का के जीव। देखिए चलते हैं, समझते हैं इसके बारे में। इनमें क्या होता है, शरीर में सिर, अंतरांग तथा पाद विभक्त होता है। क्या, सिर, अंतरांग यानी जो इनके अंग होते हैं, और पाद यानी पैर, इनमें विभक्त होते हैं, आप इनको देख सकते हैं,
पूर्णतः विकसित नहीं होते हैं, लेकिन कह सकते हैं इनमें विभक्त होते हैं या डेवलप हो रहे होते हैं कह सकते हैं, क्योंकि अब धीरे धीरे क्या होंगे, अब धीरे धीरे हम मनुष्यों की तरफ बढ़ेंगे, तो कह सकते हैं इनमें डेवलपमेंट हो रहा है, किसका, सिर का, अंतरांगों का और पैरों का, इन सबको, इन सब में क्या होती है, विभक्त होते हैं। तो श्वसन गिल्स तथा टीनिडिया में होता है, इनमें श्वसन के लिए गिल्स, जिनको हम क्लोम भी कहते हैं, तो गिल्स या और टीनिडिया दोनों उपस्थित होते हैं, इन्हीं के द्वारा क्या होता है, इनमें श्वसन होता है, किसमें, संघ मोलस्का के जीवों में गिल्स के द्वारा ही श्वसन होता है और टीनिडिया के द्वारा। इनमें कवच सदैव उपस्थित रहता है, हमने आपसे सबसे पहले ही चर्चा की थी क्या, कि इनका शरीर कैसा होता है, बहुत कोमल होता है, तो इनको इनके जो शरीर होते हैं उनको कोई डैमेज ना कर दे। अब जाहिर सी बात है कोमल है, बहुत कोमल शरीर है, उस पर अगर हल्की सी भी क्या हुई, खरोच आई, तो क्या होगा, उनको खतरा रहता है, उनके नष्ट हो जाने का खतरा होगा, तो उनके शरीर को कवर करने के लिए, क्योंकि हर प्राणी अपने शरीर को अपने से बचाता है, हम मनुष्य हैं अपने आप को बचा सकते हैं, क्योंकि हम हिलने डुलने में सक्षम हैं, या हमारे पास भगवान ने हाथ पैर सब कुछ दिए हैं, जानवर वगैरह हैं उनकी भी चमड़ी मोटी बनाया, उनको भी भगवान ने सक्षम बनाया है कहीं ना कहीं से, तो इनको भी क्या होगा, इसी तरह से इनके लिए भी क्या होता है, भगवान ने, या कह सकते हैं इनके ऊपर भी कवच विकसित होता है, तो इस कवच के थ्रू क्या होता है, इनकी रक्षा होती है, क्योंकि इनका शरीर बहुत कोमल होता है और ये कवच कैसा होता है, बहुत कठोर होता है, तभी इनकी रक्षा हो पाती है। इनमें कवच सदैव उपस्थित रहता है। आहार नाल पूर्ण विकसित होती है, इनकी जो आहार नाल है, आहार नाल की मतलब बात ये नहीं कि ये नली की खाली बात नहीं करेंगे, आहार नाल मतलब जो इनका पूरा यहां से यहां तक का डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है, इनमें विकसित होता है, ठीक है। उत्सर्जन वृक्कों से होता है, और उनमें उत्सर्जन के लिए क्या पाई जाती हैं, किडनीज पाई जाती हैं, वृक्क पाए जाते हैं, क्या पाया जाता है, वृक्क या किडनी कह सकते हैं, उत्सर्जन के लिए एक्सक्रेटरी सिस्टम के रूप में इनमें वृक्क पाए जाते हैं। इनके उदाहरण की बात करें तो घोंघा, सीपी, आपने शंख देखा होगा, ठीक है, घोंघा सीपी जो शंख खाते हैं वो भी क्या होते हैं, जो शंख आप बजाते हैं वो भी किसके उदाहरण हैं, शंख मोलस्का के, आपको देखने में लगता है आपने जो आपको शंख मिलता है वो तो खाली होता है प्रायः, लेकिन जब वह अपने पूर्ण मेच्योर अवस्था में रहता है या जब समुद्री जल में रहता है उसके अंदर भी जीव होता है, ठीक है, तो वो किसी जीव की कवच ही होती है, क्या, शंख। घोंघा आपने देखा होगा जस्ट वही चीज़ है, वो घोंघा छोटा है, शंख बड़ा है, सीपी भी आपने देखा होगा उसके अंदर भी क्या होते हैं, जीव होते हैं, तो यही है आपके, ये देख रहे हैं आप शंख, ठीक है, इसमें भी क्या है, जीव है, ये शंख है आपका, ये सीपी है, तो ये सब क्या है, ये से आपका घोंघा हुआ, तो ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, संघ मोलस्का के अंतर्गत आते हैं। चलिए अगला हमारा क्या है, संघ कॉर्डेटा, हमने आपको बताया था कि संघ कॉर्डेटा क्या है, ये वर्टिब्रेट कैटेगरी में आते हैं, वर्टिब्रेट का मतलब जिनमें कशेरुक दंड उपस्थित होता है, वर्टिब्रेट का मतलब क्या होता है, कशेरुकी, कैसे, कशेरुकी जंतु, कशेरुकी मतलब जिनमें कशेरुक दंड उपस्थित हो, कह सकते हैं जो हमारी बैकबोन होती है वह उपस्थित हो। नॉन वर्टिब्रेट इससे पहले जो थे वो कैसे थे, नॉन वर्टिब्रेट थे, उनमें कशेरुक दंड उपस्थित नहीं होता था, वो नॉन वर्टिब्रेट कैटेगरी के थे। और ये क्या हुआ, संघ कॉर्डेटा। अब कॉर्डेटा के अंदर भी कई वर्ग हैं, कॉर्डेटा के अंदर भी कई वर्ग हैं, सब कैसे हैं, वर्टिब्रेट हैं, उनमें क्या हो रहा है, कशेरुक दंड या बैकबोन अब पाई जा रही है, उनका विकास हो चुका है। ये कैसे जंतु हैं, कशेरुकी, याद रखिएगा, आपसे पूछेगा संघ कॉर्डेटा या कैसे, कशेरुकी जंतुओं में कौन आते हैं, और ऑप्शन दे दिया उसमें आपका एक संघ कॉर्डेटा भी हुआ, तो आप सही ऑप्शन क्या मारेंगे, संघ कॉर्डेटा। चलिए सबसे पहली चीज, इनमें नोटोकार्ड उपस्थित होता है, नोटोकार्ड कह सकते हैं जो हमारी रज्जुका होती है, जिसको हम रज्जुका कहते हैं, ठीक है, तो वो क्या कहते हैं, जो हमारी बैकबोन होती है कह सकते हैं उसी का एक इमेच्योर पार्ट कह सकते हैं हम, ठीक है, वही होता है हमारा क्या, नोटोकार्ड होती है, नोटोकार्ड ये हमारे कह सकते हैं जो बैकबोन है ये मेच्योर पार्ट होती है, लेकिन अगर हम उसी के शॉर्ट पार्ट या इमेच्योर पार्ट की बात करें, अविकसित भाग को कहें, उसको हम क्या कहते हैं, रज्जुका या नोटोकार्ड कह सकते हैं, ठीक है, तो इनमें नोटोकार्ड उपस्थित होगा, जितने भी जीव होंगे सब में क्या होगा, नोटोकार्ड उपस्थित होगा, याद रखिएगा। इनमें क्लोम छिद्र अवश्य पाए जाएंगे, क्रोम छिद्र अवश्य पाए जाएंगे, यानी जो गिल्स हैं इनमें अवश्य पाए जाएंगे। अब देखिए कॉर्डेटा में भी क्या होगा, कॉर्डेटा में भी आपके कुछ जंतु ऐसे होंगे जो जल में रहते होंगे, उसके बाद कुछ, अब इसके बाद जल से धीरे धीरे थल पे आएंगे, यानी उभयचर प्राणी होंगे, कुछ होंगे जो परमानेंटली जमीन पर आएंगे, उसके बाद फिर क्या होंगे, धीरे धीरे विकास होगा हमारे जैसे मनुष्यों का, तो इनमें क्या होगा, क्रोम छिद्र अवश्य पाए जाएंगे। इनमें नालदार तंत्रिका रज्जु अवश्य पाया जाता है, ठीक है, नालदार तंत्रिका रज्जु, ठीक है, तंत्रिका रज्जु अवश्य पाया जाएगा। इसका वर्गीकरण कुल 13 वर्ग है, इसके वर्गीकरण में कुल 13 वर्ग हैं, लेकिन हमें 13 वर्गों को नहीं पढ़ना है,
तीन या चार वर्ग हैं, टोटल पांच वर्ग हैं हमारे हिसाब से। पांच वर्गों के बाद इस विषय में हमें खाली पढ़ना है जो हमारे सिलेबस के अंतर्गत है। 13 वर्ग आप तब पढ़ते जब आप क्लास 11 में बायो का सब्जेक्ट लिए होते या आप बीएससी वगैरह करते, तो वहाँ पर आपको पढ़ने की आवश्यकता थी 13 वर्गों की, हमें आवश्यकता नहीं है। चलिए समझते हैं इसके उपवर्गों के विषय में, या कह सकते हैं इसके अंतर्गत आने वाले वर्ग। सबसे पहला इसके अंतर्गत यानी संघ कॉर्डेटा के अंतर्गत कौन आता है? मत्स्य वर्ग, या जिनको हम कहते हैं पाइसेस। मत्स्य वर्ग या जिनको हम कहते हैं पाइसेस, इसी मत्स्य वर्ग के अंतर्गत समस्त मछलियाँ आती हैं। ठीक है, समस्त मछलियाँ किसके अंतर्गत आती हैं? इसी मत्स्य वर्ग के अंतर्गत। अब इनके जो लक्षण हैं उनके विषय हम समझते हैं। ये सभी कैसे हैं? असमतापी हैं। कैसे हैं? असमतापी है। इनके ताप कैसे हैं? तो समान नहीं होते हैं, यानी अगर ये जल में रहेंगे तो इनका जल में है, या जैसे ठंडे स्थानों पर है तो इनका ताप कैसा हो जाएगा? कम हो जाएगा। ये गर्म स्थानों पर तो इनका तापमान क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। कैसे हैं ये? असमतापी हैं। असमतापी मतलब ठंडे स्थानों पर तापमान अपना कम कर लेंगे, और जो भी आपके गर्म स्थान है वहाँ पर क्या होंगे? इनके तापमान बढ़ जाते हैं। इनका हृदय द्विवेश्मी होता है और केवल अशुद्ध रक्त पंप करता है। इनका हृदय कैसे होगा? हमें पता है कि हमारे हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? चार चैम्बर होते हैं, जिनमें दो अलिंद तथा दो निलय होते हैं। हमारे हृदय में, या जो हम एनिमल्स हैं या जो हम मनुष्य हैं, उनमें क्या होते हैं? चार चैम्बर होते हैं, दो अलिंद तथा दो निलय के साथ। लेकिन इनमें क्या होगा? इनमें सिर्फ और सिर्फ द्विवेश्मी है, यानी दो चैम्बर्स हैं। किसके अंतर्गत? इसके अंदर किसमें है? इसमें सिर्फ और सिर्फ द्विवेश्मी है, दो चैम्बर्स हैं, एक अलिंद होगा और एक निलय होगा। सिंपली किसके अंतर्गत? मत्स्यों के अंतर्गत। ऐसा क्यों होता है? हमारे अंदर ज़्यादा, उनके अंदर कम? क्योंकि ये, इनके पास गिल्स होती हैं, और गिल्स क्या करती हैं? जो ऑक्सीजन में समुद्र में घुली हुई ऑक्सीजन है उसको ग्रहण करती हैं। तो इनके शरीर को कह सकते हैं कि ऑक्सीजन को, जो इनका हृदय होता है उसको क्या, ज़्यादा ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती, एक तरफ से कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर इनको जब बाहर लाते हैं तो उनको अधिक ऑक्सीजन मिलने के कारण क्या होती है? इनकी मृत्यु हो जाती है। तो उनको कम ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, इसलिए कह सकते हैं इसमें कितने चैम्बर्स पाए जाते हैं? कम चैम्बर्स पाए जाएंगे। हमारे शरीर को ज़्यादा आवश्यकता होगी ऑक्सीजन की, इसलिए हमारे शरीर में ज़्यादा चैम्बर्स पाए जाते हैं हमारे हृदय में। आगे क्या है? इनमें श्वसन क्रिया के लिए गिल्स पाए जाते हैं। हमने आपको बताया इनमें क्या पाए जाएंगे? गिल्स पाए जाएंगे। गिल्स के द्वारा ही इनमें श्वसन होता है। किसके द्वारा? गिल्स के द्वारा होता है, क्योंकि ये जल में घुली हुई ऑक्सीजन को ग्रहण करती हैं। वायुमंडल से डायरेक्ट ऑक्सीजन को नहीं ले सकती हैं, अगर इनको बाहर निकाला जाए तो ये मर जाती हैं। आप भी जानते हैं कौन? मछलियाँ। इसलिए ये क्या करती हैं? गिल्स के द्वारा समुद्र में घुली हुई ऑक्सीजन को लेती हैं, या जल में घुली हुई ऑक्सीजन को लेती हैं। कुछ मछलियों में कंकाल उपास्थिका बना होता है, जैसे सार्क तथा स्कोलियोडोन। इस कुछ मछलियाँ ऐसी हैं जैसे सार्क। सार्क में क्या होता है? उसकी जो कंकाल के होती है किसकी बनी होती है? उपास्थि की, कार्टिलेजेस की बनी होती है। उपास्थि की इनकी कंकाल बनी होती है। अगर इनके उदाहरण की बात करें, जितनी भी मछलियाँ हैं यहाँ पे, रोहू, कतला, समुद्री घोड़ा, इंगा, झींगा, जो जो भी आप खाते हैं, ये सभी क्या हैं? आपकी मछली की बात कर रहे हैं। मछली ये क्या है? आपकी मत्स्य वर्ग या पाइसेस के अंतर्गत आती हैं। आगे चलते हैं। आगे हमारा एम्फीबिया। एम्फीबिया तो आप सामान्य रूप में समझते होंगे, जिनको हम क्या कहते हैं? उभयचर कहते हैं। अब देखिए, जल में थे जंतु, अब ये धीरे धीरे क्या किए? जमीन पर आना प्रारंभ किए, एम्फीबियंस हुए। एम्फीबियंस मतलब जो जल में भी रहे और जमीन पर भी रहे। ये टोटली जल में नहीं रहते हैं और टोटली जमीन पर भी नहीं रहते हैं। ये जमीन पर रहते हैं, लेकिन इनकी निर्भरता कहीं ना कहीं अभी भी कहाँ है? पानी पर है। रिप्रोडक्शन के लिए कहाँ जाते हैं? ये पानी में जाते हैं। कौन? अगर हम इस मेढक की बात करें, ये क्या करता है? रिप्रोडक्शन के लिए या जनन के लिए कहाँ जाता है? पानी में जाता है। ये अपने अंडे कहाँ देता है? पानी में देता है। हमेशा याद रखिएगा, ये किस में? इसीलिए आता है किस में? उभयचर में। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? एम्फीबियंस कहा जाता है। सभी प्राणी उभयचर होते हैं, यानी उभयचर मतलब जल में भी रहेंगे और थल में भी। ये असमतापी होते हैं। असमतापी का मतलब आपको बताया हमने कि जब टेम्परेचर कम हो, इनका टेम्परेचर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। जब टेम्परेचर बढ़े तो इनका टेम्परेचर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। दोनों होता है, ठीक है, इसे इनको असमतापी कहते हैं। श्वसन क्लोम त्वचा एवं फेफड़ों से होता है। इनमें श्वसन क्लोम से, त्वचा से और फेफड़ों से। सोचिए, क्लोम से, त्वचा और फेफड़ों से। इनमें फेफड़े भी अब धीरे धीरे क्या हो रहे हैं? विकसित हो रहे हैं। क्यों? हमने आपको बताया। अब देखिए, इनमें क्या होगा? गिल्स जो पानी में सांस लेते थे, फिर भी हाँ, गिल्स क्या हो? पानी में सांस ले रहे हैं, पानी में भी रहते हैं, लेकिन जब ये ज़मीन पर आएंगे तो इनको कहीं ना कहीं अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसलिए इनमें क्या हुआ? धीरे धीरे फेफड़ों का डेवलपमेंट हुआ। ठीक है, तो इनमें क्या हुआ? धीरे धीरे फेफड़ों का डेवलपमेंट होगा। अब जब देखिएगा आप कि जंतु जब यहाँ पर आ जाएंगे, पूरी पूर्णतः ज़मीन पर आ जाएंगे, तो उनमें क्या? फेफड़ों का विकास पूर्णतः हो जाएगा धीरे धीरे। तो इसी तरह क्या हो रहा है इनमें? क्लोम होगा, त्वचा और फेफड़ों से श्वसन होगा, हृदय तीन वेश्मी होगा। हृदय क्या होगा? तीन वेश्मी होगा।
हृदय में क्या होगा, अधिक से अधिक रक्त क्या होगा, पंप होगा, हृदय को अधिक से अधिक ऑक्सीजन क्या होगी, कन्वर्ट करने की आवश्यकता होगी हमारी कोशिकाओं को, इसलिए क्या होगा इसमें हृदय तीन वेव में होगा। अब देखिए उभयचर हुए, अब इसके बाद क्या होगा, जब ये जमीन पर पूर्णता आएंगे तो क्या होगा, इनमें हृदय चार वेश्मी भी पाया जाने लगेगा, और जब हमारे ऐसे मनुष्यों का निर्माण होगा तो क्या होगा, हमारा हृदय पूरी तरह चार वेश्मी हो जाएगा। अभी तक क्या होगा, तीन वेश्मी हृदय इनमें पाया जाता है। जैसे उदाहरण में बात कर लें मेढक की, और मेढक ही नहीं आपने सेलामेंडर का नाम सुना होगा, क्या विष खोपड़ा जिसको हम कहते हैं, ठीक है, जिसमें विष होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उभयचर प्राणी एम्फीबियंस कहते हैं, ठीक है। सेलामेंडर भी किस में आता है आपका, उभयचर या एम्फीबियंस में आता है। चलिए आगे चलते हैं, सरीसृप वर्ग जिसको हम रेप्टिलिया कहते हैं, रेप्टिलिया मतलब जितने भी रेप्टाइल्स हैं, सरीसृप हैं जो रेंगते हैं, ठीक है, उनको हम क्या कहेंगे, सरीसृप या रेप्टिलिया वर्ग में। वास्तविक स्थलीय कशेरुकी जंतु होते हैं, क्या होते हैं, इनमें कशेरुक दंड पाया जाएगा, इसलिए ये क्या है, कशेरुकी जंतु हैं, लेकिन कैसे हैं, वास्तविक स्थली, ये वास्तव में स्थल पर रह रहे हैं, अब इनकी जल पर निर्भरता क्या हो गई, समाप्त हो गई, ठीक है, जल पर निर्भरता समाप्त हो गई, अब ये जल में नहीं रहेंगे, ये कहाँ पर रहेंगे, स्थल पर रहेंगे, इसलिए इनको कहा गया वास्तविक स्थलीय कशेरुकीय जंतु कहा गया, ठीक है। ये असमतापी होते हैं, इनमें भी क्या होगा, अब आपने देखा असमतापी मतलब कोल्ड ब्लडेड, सांप वगैरह कैसे होते हैं, कोल्ड ब्लडेड होते हैं, इनका खून क्या होता है, ठंडा होता है। इनमें दो जोड़ी पाद होते हैं, इनमें दो जोड़ी पाद यानी चार पैर होंगे। हृदय श्वसन किससे होगा, फेफड़ों से होगा, हमने आपको बताया। अब गिल्स से क्या हो गया, धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म हो रहा है फेफड़ों में, फेफड़े में बदल रहा है, क्योंकि अब अधिक ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है शरीर को, क्योंकि ये कहाँ आ गए, अब जमीन पर आ गए, पानी में नहीं है। हृदय तीन वेश्मी होता है, अब हृदय का थ्री चैम्बर्ड हर्ट हो गया, दो अलिंद था एक निलय आ गया, लेकिन मगरमच्छ का हृदय चार वेश्मी होता है। मगरमच्छ आपने देखा उसके अकॉर्डिंग क्या है, बड़ा प्राणी है, और उसमें क्या होगा, हर्ट क्या होगा, फोर चैम्बर्ड होगा, टू ऑर्टिकल्स था टू वेंट्रिकल्स, यानी दो अलिंद था, ऑरिकल एंड वेंट्रिकल्स, तो दो अलिंद और निलय, दो निलय होगा इसमें, चार हृदय कैसा होगा, चार वेश्मी होगा, फोर चैम्बर्ड हर्ट होगा। अंडे कैल्शियम कार्बोनेट के कवच में रहते हैं। अभी हमने देखा कि उभयचर क्या कर रहे थे, उभयचर जमीन पानी के अंदर जा रहे थे, अंडे दे रहे थे, तो कहीं ना कहीं कहें तो इनकी अंडों में जो भ्रूण में नमी होती है वो बरकरार थी, क्यों, क्योंकि वो जल के अंदर थे। अगर जब अब जिसमें देखिए रेप्टिलिया में क्या हो रहा है, रेप्टिलिया सीधे कहाँ आ रहे हैं, जमीन पर आ रहे हैं, अब रेप्टिलिया निकल कर कहाँ पर आ गए, जमीन पर आ गए, अब ये अपना जनन कहाँ करेंगे, जमीन पर करेंगे, जब जमीन पर जनन करेंगे तो कहीं ना कहीं जो बाहर की ताप है कह सकते हैं, तो वो क्या करेंगे, भ्रूण को नुकसान पहुँचा सकती है, उसकी नमी खत्म हो सकती है, तो इसलिए इनके अंडों को क्या किया गया, एक कवच प्रदान किया गया, एक कवच प्रदान किया गया जो कैल्शियम कार्बोनेट का होता है, जिसके थ्रू इनके भ्रूण क्या होते हैं, इसके अंदर सुरक्षित रहते हैं। देखिए हर चीज़ के पीछे एक ना एक रीजन होता है, बस उसको समझने की हमारे अंदर क्षमता होनी चाहिए, या हमारे अंदर उतनी जिज्ञासा होनी चाहिए कि इसका रीजन कहाँ से डेवलप हुआ। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट के थैली में कह सकते हैं कवच में पैक हुए क्या, इनके भ्रूण। अब ये क्या करते हैं, उसी बैठते हैं, कैसे हम जिनको हम कहते हैं हैचिंग ऑफ एग्स, अंडे को सेना, उसी के बाद क्या होता है इनमें धीरे धीरे कह सकते हैं कि भ्रूण क्या होते हैं, बच्चों में विकसित होते हैं, फिर उनमें क्या निकलते हैं, बच्चे निकलते हैं धीरे धीरे। तो क्या होगा, अंडे कैल्शियम कार्बोनेट के कवच में बंद रहते हैं, जैसे छिपकली सांप कछुआ ये सब क्या करते हैं, अंडे देते हैं, क्या करते हैं, अंडे देते हैं, जैसे छिपकली सांप कछुआ मगरमच्छ वगैरह ये सब किस में आते हैं, रेप्टिलियाज में आते हैं। इनके चार पैर भी होते हैं, छिपकली में भी देखेंगे आप चार पैर हैं, मगरमच्छ में भी चार पैर हैं, तो इनमें क्या किया, दो जोड़ी पाद भी हो गए। तो ये हो गया हमारा रेप्टिलिया वर्ग। आगे क्या चलते हैं, आगे आ गए हमारे पक्षी या जिनको हम एप्स कहते हैं। पक्षियों के बारे में आपने सुना होगा, ठीक है, तो पक्षी जितने भी पक्षी हैं वो किस में आते हैं, पक्षी वर्ग में, और किसके अंतर्गत, संघ कार्डेटा के अंतर्गत, और वो क्या है, वर्टिब्रेट हैं, ठीक है, याद रखिएगा। इसका अगला पाद उड़ने के लिए पंखों में रूपांतरित हो जाता है, जानते हैं हमने क्या देखा अभी, जो लैंड पर एनिमल आ गए उनमें चार पाद पाए गए, चार पैर पाए गए, चार पैर पक्षियों में भी होते हैं, लेकिन क्या होता है, उनका जो अगला पैर होता है कह सकते हैं, जो आप दो पैर देखते हो क्या, वो उनका पिछला पैर होता है, लेकिन जो उनका दो अगला पैर होता है वह पंखों के रूप में रूपांतरित हो जाता है, क्यों, क्योंकि उसी से उनका उड़ना होता है। अब देखिए पहले जल में, जल से धीरे धीरे जमीन पर आना चालू किए, और पूर्णतः जमीन पर आ गए, अब जमीन से कहाँ जा रहे हैं, हवा में जा रहे हैं, यानी विकास की प्रगति जोरों पर है, ठीक है, अब कहाँ पहुँच गए, धीरे धीरे हवा में उड़ना चालू कर दिए। इनका अगला पाद क्या हुआ, उड़ने के लिए पंखों में रूपांतरित हो जाता है, किसका, पक्षियों का, इनमें चार पैर इनमें भी होते हैं, लेकिन इनका दो पैर क्या होता है, पंखों में रूपांतरित हो जाता है, और बचा हुआ दो पैर आप देखते ही हैं। इनका हृदय कैसा होगा, चार वेश्मी होगा। अब आप देख रहे हैं कहाँ के हो, ये अब ऊंचाई पर जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, ऊंचाई पर जा रहे हैं, तो इनके हृदय को और ऑक्सीजन को
कन्वर्ट करने की क्षमता होनी चाहिए। तो इनका हृदय कैसा और भी हैवी बना दिया गया, चार वेश्मी हो गया हमारी तरह, फोर चैम्बर्ड हार्ट किसमें, पक्षियों में। तो कहीं ना कहीं ऊंचाई का आप देख रहे हैं प्रभाव पड़ रहा है, जमीन से जल से जमीन पर आने पर चेंज हुआ, थ्री वेश्मी हुआ, टोटल जमीन पर आने पर चार वेश्मी हो गया, हवा में जाने पर भी कह सकते हैं एक तरह से चार वेश्मी हो गया। ये समतापी होते हैं। ये कैसे होते हैं? समतापी होते हैं। इनका तापमान कैसा होता है? समान रहता है, चाहे वो, इसीलिए देखते हैं आप ये अपने आप को बाहर के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि जब ठंडी पड़े तो इनका तापमान कम हो जाए। ठीक है, तो ये क्या है, अपने आप को मेंटेन कर सकते हैं। और इनके ये जो देख रहे हैं आप क्या होता है, इनके जो पंख होते हैं इनमें छोटे छोटे फर लगे होते हैं जिनको हम फीडर्स कहते हैं, ये इनके तापमान को मेंटेन करने में बहुत मदद करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा श्वसन किसके द्वारा होता है? इनमें श्वसन फेफड़ों के द्वारा होगा। अब गिल्स वगैरह की कहानी समाप्त। क्या होगा, अब ये पूर्ण विकसित हो चुके हैं, क्या हो रहा है इनमें श्वसन किसके द्वारा होगा? फेफड़ों के द्वारा होगा। मूत्राशय अनुपस्थित होता है किसके अंदर? लेकिन अभी भी एक कमी क्या है, इनके अंदर मूत्राशय अनुपस्थित होगा, यानी कह सकते यूरिनरी सिस्टम कहीं ना कहीं अनुपस्थित है। कबूतर, तोता और मोर या जितने भी पक्षी होते हैं, समस्त पक्षी किसमें आते हैं? पक्षी वर्ग के अंतर्गत। आगे चलते हैं, वर एंड द लास्ट स्तनी वर्ग जिनको हम कहते हैं मैमेलियाज। मैमेलिया में हम सभी आते हैं, जो भी मनुष्य हैं और ये सब जो भी जंतु दिखाई दे रहे हैं किसमें आते हैं? जो भी मैमल्स होते हैं किसमें आते हैं? मैमेलिया में। चलिए, त्वचा पर श्वेत ग्रंथियां व तैल ग्रंथियां पाई जाती हैं। हम भी जानते हैं हमारी त्वचा पर क्या पाई जाती है, श्वेत ग्रंथियां और तैल ग्रंथियां। श्वेत यानी पसीने वाली ग्रंथियां और तैली ग्रंथियां जो भी होती हैं हमारे त्वचा पर पाई जाती हैं, जिनके थ्रू क्या करते हैं, पसीना वगैरह निकालते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर का तापमान मेंटेन रहे। ठीक है, आगे क्या है, इनका हृदय चार वेश्मी होगा। हम भी जानते हैं हमारा हृदय कैसा होता है, चार वेश्मी है, और इन सबका भी हृदय क्या होगा, चार वेश्मी यानी फोर चैम्बर्ड हार्ट इनके अंदर पाया जाएगा। आगे बात करें, ये उच्च तापी व नियत तापी होती है, नियत तापी या समतापी कह सकते हैं। इनका ताप नियत भी रहता है और उच्च भी रहता है। ठीक है, दोनों होता है। ये कोल्ड ब्लडेड नहीं होते हैं, ये वार्म ब्लडेड होते हैं। कौन? पक्षी वगैरह भी कैसे होते हैं, वार्म ब्लडेड होते हैं। इनका तापमान या उनका खून कैसा होता है, ठंडा नहीं होता है। बाह्य कर्ण उपस्थित होता है। मैमल्स को जानने की सबसे बड़ी कह सकते हैं निशानी क्या होती है, आप देखेंगे उनके कान कहाँ होते हैं, बाहर होते हैं। अब तक जितने भी पक्षियों की बात करें या आपने मछलियाँ वगैरह देखी जो भी देखा, उनमें कान नहीं होते हैं। क्या नहीं होता है? कान नहीं होते हैं। कान होते हैं लेकिन कहाँ? बाहर की तरफ नहीं होते हैं। आप जितने भी मैमल्स देखेंगे सबके कान कहाँ होते हैं? बाहर होते हैं। उनको पहचानने की सबसे बड़ी कह सकते हैं एक तरफ से तकनीक यही हो सकती है। इनमें दांत जीवन में दो बार निकलते हैं। इनमें दांत जीवन में कितनी बार निकलते हैं? दो बार निकलते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं, द्विवार दंती, यानी जिनमें जीवन में दो बार दांत निकले। इनके लाल रुधिर में केंद्रक नहीं पाया जाता, ऊंट और लामा को छोड़कर जितने भी इनके आरबीसीज हैं, रेड ब्लड सेल्स हैं, उनमें केंद्रक या न्यूक्लियस नहीं पाया जाता ऊंट और लामा को छोड़कर, क्योंकि इनके लाल रक्त कण में केंद्रक पाया जाता है। बात करें मनुष्य, कंगारू, शेर, ये सब कैसे हैं? ठीक है, ये सब हमारे स्तनी वर्ग के अंतर्गत आते हैं। अब आपने देखा, अब देखेंगे आप कि इसमें भी कुछ अंतर। मैमल्स की अगर बात करें, आपने चमगादड़ का नाम सुना होगा। ठीक है, वो क्या करता है, वो भी एक मैमल्स ही है, लेकिन वो क्या देता है, अंडे देता है। और दूसरे हाथ पर अगर देखें हम कंगारुओं को, तो कंगारू क्या होते हैं, कंगारू और कह सकते हैं आपके कि अविकसित बच्चों को जन्म देते हैं। ठीक है, अविकसित बच्चों को जन्म देते हैं, यानी जन्म देने का मतलब है कि वो अपने अंदर बाहर तो निकल जाते हैं लेकिन वो पूर्ण विकसित नहीं होते। वो क्या होते हैं, थैली में, एक थैली में बंद रहते हैं, जिसको मार्सुपियल नामक थैली कहते हैं, उसमें बंद रहते हैं। वो अविकसित यानी आधे भाग उनके बाहर निकले हुए होते हैं, और जब तक उनका पूर्णतः विकास नहीं होता वो बाहर नहीं निकलते हैं। दूसरे हाथ पर अगर इन जंतुओं को देखें और मनुष्यों को देखें, तो वो क्या होते हैं, पूर्ण विकसित बच्चों को जन्म देते हैं। ठीक है, और कहीं ना कहीं हमने देखा अभी इसके पहले रेप्टिलियाज में क्या हो रहा था कि भ्रूण जो थे कैल्शियम कार्बोनेट के कवच के अंदर बंद थे, लेकिन अब मैमल्स में क्या हो रहा है, देखिए मैमल्स के पास इतनी एबिलिटी आ गई कि वो क्या करें, अपने भ्रूण को अपने अंदर ही रख सके। अपने उनके भ्रूण क्या होते हैं, उनके अंदर ही रखे होते हैं, उनके भ्रूण उनके शरीर के अंदर ही सुरक्षित रहते हैं। रेप्टाइल्स की तरह वो अपने अंडों के पास बराबर घूमेंगे नहीं, यानी उनके भ्रूण को सुरक्षित रखने के लिए उन्हें एक जगह मतलब अपने भ्रूण के पास बराबर बैठना नहीं होता है, वो अपने भ्रूण को अपने अंदर लेके कहीं भी विचरण कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे मैमल्स। यहाँ तक हमारा पूरा एनिमल क्लासिफिकेशन का भाग समाप्त हो गया। उम्मीद है आपको समझ में भी आया होगा, और न समझ में आए तो आप एक बार रिवाइंड करके देखिए। मेरी उम्मीद है पूरी कि आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि हमने पूरी मेहनत की है। तो अब आगे हम पढ़ेंगे मनुष्यों के बारे में, उनके रक्त परिसंचार तंत्र के बारे में, और उनमें पाई जाने वाले उत्कों के बारे में प्रायः हम उनसे पहले चर्चा करेंगे। तो चलिए, तब तक के लिए चलते हैं, मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।